हेलो एवरीवन, वेलकम टू R&R पाठशाला। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए संस्कृत प्रश्नोत्तरी। जो भी मित्र संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्नोत्तरी है ये। मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आप पढ़कर इस प्रश्नोत्तरी को करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलो हमारे साथ पेन कॉपी लेके बैठिए। हमारे आंसर बताने से पहले अपने आंसर दीजिए, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। और वीडियो के अंत में जरूर बताया कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष स्थानीय देवतासु प्रमुख को अस्ति। अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में प्रमुख कौन है? अग्नि ही, इंद्र, विष्णु, वरुण। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंद्र। आप ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन में आपने देखा होगा कि कोई भी देवता जो अंतरिक्ष स्थानीय नहीं है। अंतरिक्ष स्थानियों में दो महत्वपूर्ण देवता है, इंद्र और रुद्र, ये दोनों अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। अग्नि की बात करें तो वो पृथ्वी स्थानीय है। विष्णु और वरुण दोनों द्विस्थानीय देवता है, द्विस्थानीय। तो इसमें केवल इंद्र है जो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे इंद्र और रुद्र दोनों अंतरिक्ष स्थानीय देवता माने गए हैं। उसमें भी इंद्र जो है वो महत्वपूर्ण देवता है, वेद के महत्वपूर्ण देवता भी इंद्र ही है। क्लियर है? वेरी गुड। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य से विभाजनम कति भागेषु कृतम अस्ति। वैदिक साहित्य का विभाजन कितने भागों में किया गया है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, चत्वारह, पंच, द्वौ अथवा त्रयः। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चत्वारह। चार भागों में वैदिक साहित्य का विभाजन किया गया है। सबसे पहले संहिता पाठ आता है जो सबसे पहला है, उसके बाद उसका ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। ये महत्वपूर्ण चार भाग किए गए हैं। और कौन से वेद पे कौन सा उपनिषद है या ब्राह्मण है, आरण्यक है, ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आप इन्हें भी तैयार कर लेंगे। एक दो प्रश्न जो इससे संबंधित है वो बता देता हूँ। जैसे अथर्ववेद पे कोई भी आरण्यक प्राप्त नहीं होता, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, ठीक है। और इसके ऐत्रेय और शांखायन ऋग्वेद के जो है वो ब्राह्मण आरण्यक मिलते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। अगला प्रश्न है, नरत्न मनविष्यति मृग्यते हि तत् सुक्ति ही कुत्र मिलति। मेघदूते कुमार संभवे रघुवंशे शिशुपाल वधे। रत्न किसी को खोजता नहीं है, रत्न की खोज की जाती है, यह जो सुक्ति है वह कहां मिलती है? मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुमार संभवे। यह सुक्ति कुमार संभव की है, बहुत ही महत्वपूर्ण सुक्ति है यह है। और ये पांचवे जो पांचवा सर्ग है उसका पांचवे सर्ग में मिलती है। कुल 17 सर्ग हैं इसमें। कालिदास की रचना है, अनुष्टुप छंद के प्रयोग हुआ है इसके। जितने भी श्लोक हैं उनमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। और अगर इसके हम उपजीव्य ग्रंथ की बात करें तो श्रीमद् भागवत से यह कथा ली गई है। क्लियर है ये? वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, नाटक से अंगिरस अस्ति। नाटक का अंगिरस ये बताना है। हास्य, रौद्र, वीर, भयानक। हास्य है, रौद्र है, वीर है, भयानक है। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वीर है। नाटक का जो अंगिरस है वो वीर अंगिरस। तीन ही बताए गए हैं जिसमें श्रृंगार है, वीर है और शांत है। ये तीन रस अंगिरस बताए गए हैं, बाकी अंग रस है। और 10 रसों की बात करते हैं, कुछ कुछ जगह 9 रसों की, और स्टार्टिंग जो होती है वो 8 रसों से। भरत मुनि ने 8 रस बताए। उसके बाद अगर हम साहित्य दर्पण की बात करें तो वो 9 रस मानते हैं, जिसमें उन्होंने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, इस प्रकार उन्होंने 9 रस की चर्चा की है। और आगे चल के कवि ने जैसे वात्सल्य रस को भी उसमें जोड़ दिया है, तो 10 रसों तक पहुंच गई ये बात। तो स्टार्टिंग जो है वो भरत मुनि ने 8 रस, कई बार प्रश्न आ जाता है, और जो साहित्य दर्पणकार है उन्होंने 9 रसों की चर्चा की है। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, समासे उपसर्ग है भवति, समास में उपसर्ग होता है। ऑप्शन देख लीजिए, अंते, मध्ये, पूर्वे, न कुत्रापि। अंत में होता है, मध्य में होता है, पूर्व में होता है, या कहीं भी नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पूर्वे, पहले, सबसे आगे लगता है। आपने अव्ययीभाव समास देखा होगा जिसमें जितने भी उपसर्ग हैं वो सब आगे, जैसे यथाशक्ति ही देख लीजिए शब्द है, तो उसमें आगे लगता है। तो इसलिए समास में हमेशा उपसर्ग कहाँ लगेगा? आगे लगेगा। क्लियर है? वेरी गुड। अगला प्रश्न लेते हैं, वायु अग्नेः कति भागः अस्ति। वायु में अग्नि का कितना भाग है ये बताना है।
ये पंचीकरण का सिद्धांत है, वहां से ये प्रश्न लिया गया है। आधा, एक बटा चार भाग, एक बटा आठ भाग, एक बटा सोलह भाग। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एक बटा आठ भाग, तीसरा वाला। वायु में अग्नि का एक बटा आठ भाग है। हर, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांचों अपना अपना आधा आधा भाग लेते हैं और बाकी चारों का अलग, जो बच गए चारों, उनका एक आठ एक बटा आठ भाग लेते हैं। तो ये पंचीकरण का सिद्धांत है। जब सृष्टि का निर्माण होता है तो ये इस तरह अपना आधा भाग और दूसरे का एक बटा आठ लेके सृष्टि का निर्माण करते हैं। क्लियर है ये? वेरी गुड। अगला प्रश्न लेते हैं, संवेत समवाय सन्निकर्ष है, इसका संबंध है, इत्यस्य संबंध अस्ति अलौकिक सन्निकर्षेण सह, लौकिक सन्निकर्षेण सह, लौकिक अलौकिक सन्निकर्षेण सह, न केनापि सह। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। अलौकिक सन्निकर्ष के साथ, लौकिक सन्निकर्ष के साथ, लौकिक अलौकिक दोनों के साथ, या किसी के साथ भी नहीं, ये बताना है। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लौकिक सन्निकर्षेण सह, दूसरे वाले के साथ। संवेद, जैसे सन्निकर्ष के प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कहा गया है, और जो लौकिक सन्निकर्ष है उसके छह भेद बताए गए हैं। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेत समवाय, समवाय संवेत समवाय, विशेषण विशेष्य भाव है। तो ये संवेत समवाय भी जो है वो लौकिक सन्निकर्ष के जो छह भेद बताए गए उनमें से एक है। क्लियर है? वेरी गुड। अगला प्रश्न लेते हैं, रीवर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, रीवर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, तालुः, कंठः, मूर्धा, ओष्ठः। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रिटूर्षाणाम मूर्धा, तीसरा वाला। आपको अ कु है विसर्जनिया नाम, कंठ कु का मतलब होता है क वर्ग, तो यहाँ पे री टू टै वर्ग, री टै वर्ग, रिटूर्षाणाम और श, इनका टै वर्ग में पांचों अक्षर री और श, इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? मूर्धा है। तो आपको इनमें दिए हुए अकु है विसर्जनिया नाम, कंठ है ईचू, या शा नाम तालु, ये इनको याद करके रखें क्योंकि बीच बीच में से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, रघुवंश कति श्लोका संति, बताना है रघुवंश में कितने श्लोक है। ऑप्शन देखिए, 1569, 1769, 1669 या 1869। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहले वाला, 1569। रघुवंश जो कि कालिदास की रचना है, दीपशिखा कालिदास कहा जाता है उनको, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, और उपजीव्य जो है वो पद्म पुराण एवं रामायण दोनों माने गए हैं। 19 सर्ग है इसमें। सर्वाधिक श्लोकों की बात करें तो 12वें सर्ग में मिलते हैं 104, और सबसे कम मिलते हैं 18वें सर्ग में 53, और सबसे ज्यादा उपजा अति छंद का प्रयोग हुआ है 578 बार। क्लियर है ये? वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न हमारे सामने है, कविना कार्यम क्रियते, कृत्रिवाच्य भवति, इसका कर्तृवाच्य होगा कविना कार्यम क्रियते। कविना कार्यम क्रियते पहला, कवि ही कार्यम करोति दूसरा, कवि ही कार्य करोति तीसरा, कविना कार्यम करोति चौथा। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। वेरी गुड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कवि ही कार्यम करोति, जो तृतीय है वो प्रथमा में चला जाएगा, और कार्यम जो है वो प्रथमा में था, प्रथमा में द्वितीय में चला जाएगा, तो कार्यम का कार्यम ही होता है, करो क्रियते का करोति होगा। चलिए आज का प्रश्न लेते हैं आपके लिए। उससे पहले कल के पूछे गए प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। प्रश्न था महावीर चरित कति अंक का संति, महावीर चरित में कितने अंक ये पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर था सप्त, सात अंक है। महावीर चरित भवभूति की तीन जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं नाटक, उनमें से एक नाटक है, तो इसका सही उत्तर है सात। अगला प्रश्न आपके लिए है, अगला वीडियो आने तक आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। भ्रम धातो हो लुंग लकार से प्रथम एक वचने भवति, लुंग लकार का प्रथम एक वचन में होता है अभ्रमित, भ्रमिता, अभ्रमत या बभ्राम। तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो आने तक इसका उत्तर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।